वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंगलवार को नक्सलियों के हमले के बाद अब मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में नक्सली देखे जा सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूरी रिपोर्ट देखिए। सुकमा में बीजापुर जिले के सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो सामने आया है। वीडियो में नक्सली कमांडर हिड़मा की कंपनी नंबर वन के नक्सली जवानों को घेरने के लिए पोजीशन लेते देखे जा सकते हैं। कैंप पर और सर्चिंग कर रहे जवानों पर हिड़मा के इशारों पर 300 नक्सलियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 6 नक्सली मारे गए थे। वीडियो में बड़ी संख्या में नक्सली दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सीएम ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। कुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ, लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। नक्सली हमले के बाद टेकलगुड़ा गांव एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। यहां 2021 में 22 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों के एक इस गढ़ में जवान कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि टेकलगुड़ा एक ऐसी जगह है जहां जाना मुश्किल होता है। ये जवानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। यहां जाना मुश्किल होता है, वहां कैंप लगाया जाता है। कल सुकमा के जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों को छू कर नमन करता हूँ। सरकार हर समय उनके परिवारों के साथ है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो भी प्रावधान है वो सभी पूरे करेंगे। जो कुछ हुआ है कल, उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों को छू कर नमन करता हूँ और सरकार हर समय उनके परिवार के साथ होगी। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में जो कुछ प्रावधान है, बहुत अच्छे प्रावधान है, वो सारे प्रावधान पूरे किए जाएंगे। परंतु कल की घटना का विषय ये है कि एक बड़ी जीत जवानों ने दर्ज की है। उस स्थान पर जहां कुछ भी जाना संभव नहीं था, वहां पर अब विकास का कैंप लग रहा है। चर्चा के लिए हर क्षण हर पल तैयार है, किसी भी माध्यम से तैयार है। हमारे नौजवान अगर राह भटके हैं तो मुख्यधारा में लाने के लिए कभी भी बात की जा सकती है। लेकिन समाज को बहुत दर्द हो चुका है और न सहा जाए, ऐसा समाज का कहना। आपको बता दें कि कल सुकमा के टेकलगुड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। शहीद हुए जवान आसाम, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं रतलाम के अल सूफा संगठन पर पुलिस निगाह बनाए हुए है। संगठन से जुड़े लोगों का पुलिस उनकी कुंडली बना रही है। यही नहीं, थाने में बुलाकर डोजियर भी भरवाए जा रहे हैं। रतलाम और देवास में सक्रिय रहे संगठन अल सूफा को लेकर रतलाम पुलिस सतर्क है। संगठन से जुड़े लोग पुलिस की रडार पर हैं और यही वजह है कि 30 से ज्यादा लोगों की कुंडली तैयार की जा रही है। पुलिस संगठन में शामिल रहे लोगों को थाने बुला रही है और उनसे डोजियर भरवा रही है। सुफा ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनकी जानकारी हमारे पास में, जब 2014-15 में ये लोगों की मीटिंग वगैरह हुई थी, तो उसमें जो लोग गए थे, तो उन सभी लोगों को बुलवाकर उनसे 1-to-1 पूछताछ करके जो उनसे हम लोग एक डोजियर भरवा रहे हैं। और साथ साथ में ये लोग क्या काम करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, आमदनी का साधन क्या है, क्या क्या, और इनके ऊपर निगरानी रखी जाए। अल सूफा की स्थापना रतलाम में हुई थी। संगठन की बात करें तो साल 2012 के आसपास संगठन की स्थापना हुई। 40-45 युवकों ने इसकी शुरुआत की। शुरुआत में असद और जुबेर की मुख्य भूमिका थी। इस्लाम का प्रचार, गरीबों की मदद से शुरुआत में मकसद, सूफा कट्टरपंथी सोच वाला संगठन,
मुस्लिम समाज में शादी जैसे कार्यक्रमों का विरोधी, बाद में आतंकियों के स्लीपर सेल की तरह काम किया, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की हत्या में शामिल रहे। राजस्थान के जयपुर में ब्लास्ट की साजिश में पहली बार संगठन चर्चा में आया था। नीबाहेड़ा में पुलिस ने कार से विस्फोटक जब्त किया था और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक आतंकी फिरोज खान फरार है, जिस पर NIA ने 5 लाख का इनाम रखा है। संगठन को लेकर केंद्रीय एजेंसियां रतलाम आती रहती हैं। ऐसे में पुलिस ने संगठन से जुड़े लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। अब बात खनन माफियाओं की। प्रदेश में खनन माफिया बेलगाम है। भिंड में हथियार के दम पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में खनन का खेल जारी है। हथियारों से लैस बदमाश, इन्हें पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। नदी और घाटों पर इनका राज है। ये रेत माफिया के गुर्गे हैं। तस्वीरें भिंड की हैं। यहाँ रेत का अवैध खनन बेरोकटोक जारी है। खनन माफिया को किसी का डर नहीं। रौन थाना क्षेत्र में सिंध नदी से ये खुलेआम हथियार के दम पर रेत निकाल रहे हैं। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बिना किसी डर के भेजे जा रहे हैं। रेत माफिया की गुंडागर्दी यूं तो सभी जानते हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। गांव के सरपंच ने रेत के अवैध परिवहन की शिकायत की, जिसके बाद भिंड कलेक्टर ने मामले की जाँच की बात कही। प्रदेश के कई जिलों में रेत और मुरम का अवैध खनन किया जाता है। हाल ही में मंडला के वन क्षेत्र से रेत का उत्खनन करते हुए डंपर और पोकलेन मशीन जब्त की गई। यहां मोहगांव परियोजना मंडल में अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। वहीं टीकमगढ़ में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। यहां मुरम तक बेरोकटोक खनन किया जा रहा है। प्रशासन ने अब अवैध खनन रोकने के लिए अभियान भी शुरू किया है और इसी के तहत लिधौरा थाने के रसोई टोरिया गांव में बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन को यहां अवैध तरीके से मुरम खनन और परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और खनन माफिया में प्रशासन को देखकर हड़कंप मच गया। वो गाड़ियां लेकर भागने लगी, लेकिन प्रशासन की टीम ने भी फिल्मी स्टाइल में उनका पीछा किया और आरोपियों को पकड़ लिया। इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिर्फ एक कार्रवाई से खनन माफिया पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। प्रदेश में कई रेत खदानों से प्रशासन की रोक के बाद भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन माफिया पर कार्रवाई नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना कई बार भारी भी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही वाक्य पेश आया है इंदौर में, जहां नौकर पर मालिक ने भरोसा तो किया, लेकिन इस भरोसे के बदले मालिक को लग गई बड़ी चपत। कैसे, पूरा मामला जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। CCTV में दिख रहे इस शख्स के बारे में शायद ही अंदाजा था, ये कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी सदमे से कम नहीं होगा। तस्वीरों में देखिए, ये स्कूटी पर सवार होता है फिर चला जाता है। तस्वीरों से ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस शख्स के स्कूटी से जाते ही मालिक को लग गया चूना, वो भी 8 लाख का। यकीन ना हो तो मालिक की बात सुन लीजिए। ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे अकाउंटेंट साहब साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने उसको एक फैक्ट्री और है दूसरी, मैंने उसको वहाँ स्टिकर के लिए भेजा कि वहाँ स्टिकर ले आओ जाके। और इतने में मैंने बोला एक काम कर, चाय भी लेते हो आना, 20 रुपये मैंने उसको दिए और मैंने चाय भी लेते हो आना। और मतलब मेरे जो गाड़ी के अंदर एक बैग रहता है उसको पता है कि उसमें पैसे रहते हैं, पेमेंट कहीं से आया हुआ था, वो गाड़ी में बैग मैंने रखा ही था मॉर्निंग में आज, और उसको पता था। और मैं एकदम बातों में लगा और गाड़ी की चाबी ली उसने, मतलब चाबी मैंने उसको दी थी, और मैं मतलब CA से बात करने में लगा, अपने अकाउंटेंट से बात करने में लगा, और इतने में वो अपनी उसने चाबी उठाई और वो गाड़ी लेके गया, चाय लेने गया, तो अभी तक आया ही। अब पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल संदीप नाम के स्कूटी सवार व्यापारी पंकज कसेरा के यहाँ काम करता था। पंकज ने स्कूटी की डिक्की में 8 लाख कैश रखे थे और इस बीच पंकज ने संदीप को चाय लेने के लिए भेजा, लेकिन
संदीप स्कूटी से निकला तो वापस ही नहीं आया। उसी लड़के का फोन आया सुबह 6 बजे कि बोले मैं अभी ये अरविंदो पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और आप आना आके आप आ जाइए अरविंदो पे और पैसे लेके आना। समझा उसमें 8 लाख से ऊपर समथिंग अमाउंट है। मजे की बात तो ये है कि सुबह संदीप ने पंकज को फोन भी किया और स्कूटी कहाँ है ये भी बताया, साथ ही खुद के एक्सीडेंट में घायल होने की झूठी जानकारी भी दी। ऐसे में यूपी के बस्ती के रहने वाले शातिर संदीप को लेकर व्यापारी ने शिकायत की है। उम्मीद है कि जल्द संदीप पुलिस की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।